जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 3 किसी संख्या का वर्गमूल तथा दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 4 तक का अध्ययन कर लिया है, यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर कौन सा होगा 5। दोस्तों ध्यान से देखिए, चैप्टर थर्ड लेक्चर फिफ्थ। दोस्तों ध्यान से देखिए, चैप्टर थर्ड का नाम क्या है, किसी संख्या का वर्गमूल तथा दशमलव दशमलव संख्या का दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। दोस्तों अभी तक इस चैप्टर में टोटल मैंने 34 प्रश्न प्रोवाइड कराए हैं, यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न संख्या कौन सी होगी 35। क्वेश्चन नंबर दोस्तों कौन सा 35। दोस्तों मैंने पहले से बता के रखा यह चैप्टर दोस्तों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर से आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन आते ही आते हैं, और अच्छे से दोस्तों इस चैप्टर को तैयार करिएगा। और मैंने पहले से भी सिखा रखा कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, पहले से भी बताया दोस्तों हमने। आज की क्लास में दोस्तों आपने क्या किसी संख्या का वर्गमूल सीख लिया है, आज की क्लास में दशमलव संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं उस पर दोस्तों विधवा से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, प्रश्न संख्या 35 कह रहा है 4.6225 का धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए, का धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। का धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। दोस्तों अभी तक डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ में जितना भी दोस्तों मैंने आप सभी मित्रों को सिखाया, यदि आप चाहते हैं कि पूरा जितना भी मैंने आपको सिखाया सब कुछ सीरियल वाइज देखने के लिए मिल जाए, तो दोस्तों मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो सारे लेक्चर आपको क्या सीरियल वाइज देखने के लिए मिल जाएंगे, और दोस्तों मैं सभी लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप सीरियल से देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों आप सभी मित्र हर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें, जिससे आप सभी भाई बंधु यदि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करेंगे तो आपके अदर भाई बंधु इस वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। दोस्तों यदि आप वीडियो को शेयर करते हैं तो मेरा भी क्या हौसला बढ़ता है, मेरा भी मन लगता है कि हाँ हमारे भाई बंधु क्या मेहनत कर रहे हैं, वीडियो को शेयर कर रहे हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं, संख्या बढ़ रही। जब संख्या बढ़ती हुई दिखाई देती तो मेरा मन भी क्या गदगद हो जाता है और मुझे भी क्या पढ़ाने में आनंद आने लगता है। तो इसीलिए हर वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें, और आप हर वीडियो को जरूर देखें, और हर लेक्चर को अच्छे से देखने के बाद उसके नोट्स भी जरूर बनाएं और उसके बाद प्रैक्टिस भी जरूर करें। ठीक दोस्तों ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, 4.6225 का धन वर्गमूल ज्ञात करना। दोस्तों ध्यान से देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, 4.6225 ध्यान से समझना। दोस्तों आपको पता है पेयर बनाते हैं तो पीछे से पेयर बनाइए, एक दो और ये इकलौता था, इसलिए सिंपल एक का पेयर बन गया। दोस्तों ध्यान समझिए,
कैसे करेंगे, दो किससे कटेगा, दो दो दूना चार, और दो दोस्तों यही वाला यहां पर लिखते हैं, तो दो दूना चार यहां लिखेंगे, ठीक है, ध्यान समझिए। यहां पर दोस्तों कितना, दो प्लस दो चार हो गया, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट यहां लगा, अगले नंबर नोट करें, पर इस पॉइंट के बाद अगले नंबर, इसलिए पॉइंट को यहीं पर लगा, यहां पर लगा लेंगे जस्ट इसके ऊपर, और दोनों नंबर दोस्तों यहां नीचे की ओर नोट कर लेंगे, ठीक है। आप ध्यान समझिए कितने बजे आएगा, वन बार, ठीक है। वन से इसकी मल्टीप्लाई है तो वन वन जा वन होता है, और फोर की मल्टीप्लाई, वन की मल्टीप्लाई फोर से करेंगे तो फोर ही रहेगा, 41 हो गया दोस्तों, ध्यान से समझिए। अब ये जो वन आया दोस्तों, इसको हम यहां पर लिख लेंगे, इसको ऐड कर लिए, वन प्लस वन दोस्तों कितना होता, टू, वन प्लस वन दोस्तों कितना होता है, टू होता, टू लिख लिया, एंड फोर यहां पर होगा, यहां से दोस्तों कितना नोट कर लिया, कितना, टू फाइव, आपको पता, एक मिनट भाई, इसमें से घटा लीजिए, दो में से एक गया, कितना चला गया, एक, और यहां दोस्तों कितना था, छह में से चार गया दो, क्या, दो में से एक गया, एक लिख लिया, और छह में से चार गया दो। उसके बाद दोस्तों दोनों अंक नोट कर लेते हैं, आप ध्यान समझिए दोस्तों कितनी बार जाएगा, फाइव बार, देखिए पांच से मल्टीप्लाई करते हैं, पचास पच्चीस के पांच से लाए के दो, पांच दूनी दस, दो बारह, हाँ से लाए के एक, पांच को बीस, एक इक्कीस, देखिए पूर्णतया एक कट गया जाके, कटने के बाद क्या दोस्तों, पूर्णतया कट गया, लास्ट में शेषफल हमारा कितना, जीरो आ गया, यानी दोस्तों आपसे क्या पूछा था, 4.6225 का धन वर्गमूल होगा, कितना होगा, 4.1, और जो यहां नंबर लिखा वही यहां लिखा जाएगा, 4.15 हो जाएगा, तो क्या लिखोगे, 4.6225 का धन वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2.15, यही दोस्तों हमारा फाइनल आंसर हो गया। और यदि लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं यही आंसर दोस्तों, तो क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे, 4.6225 का धन वर्गमूल बराबर 2.15 एक आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए चलिए अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, प्रश्न संख्या 36। तो बहुत आसान है, जैसे सिंपल साधारण वाले निकाल रहे थे, वैसे दोस्तों दशमलव वाला भी निकाल रहे हैं। अगला दोस्तों आपसे कह रहा है 5.3824 का धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। जैसे दोस्तों मैंने इसको लगाया है, वैसे ही दोस्तों इसको लगाइएगा, और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 37। दोस्तों यहां पर यदि किसी को लग रहा है सर जीरो क्यों नहीं लिखा, चाहे तो आप यहां पे जीरो लिख लीजिए, चाहे क्रॉस का निशान लगे, बात एक ही है, चाहे तो यहां आप जीरो भी लिख सकते हैं, क्योंकि घटाने पर सब जीरो ही आता है, तो चाहे जीरो लिख लीजिए, और चाहे आप मल्टीप्लाई का साइन लगा ले, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिए, कह रहा 150 ध्यान से समझिए दोस्तों, नोट कर लीजिए, का धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। नोट हो गया, चलिए दोस्तों कैसे करेंगे इसको, जैसे इसको किया वैसे इसको भी करेंगे, ध्यान से समझिए क्या कह रहा है, 150.0625, ठीक है। क्या करेंगे सबसे पहले दोस्तों, पीछे से पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे, और यहां शुरुआत में दोस्तों एक ही बचा जाके, कोई बात नहीं, पीछे से दो दो के पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान समझे किससे कटेगा, सबसे पहले वन से, वन वन जा वन, तो यहां लिखेंगे वन, वन यहां भी लिखेंगे, यही वाला वन दोस्तों यहां पर भी लिखेंगे, वन प्लस वन दोस्तों टू हो गया जाके, और वन माइनस वन जाएगा जीरो बचा, यानी कुछ नहीं बचा, बात खत्म। फिर उसके बाद दोस्तों 50 नोट कर लेते हैं, ठीक है। अब 50 किससे कटेगा दोस्तों, यानी दोस्तों दो लगाते हैं यहां पर, देखिए दो यहां लिखा, दो यहां लिखा, दो दूना चार, और दो दूना जाए चार 44, जो दो यहां आया वही दो दोस्तों यहां पर जाएगा, ध्यान समझते रहिएगा। आप क्या करते हैं, जीरो है यहां चार, जीरो में से चार जाएगा, इसलिए हंसे लेंगे, कितना होगा, दस में से चार गया छह, और यहां दोस्तों चार में चार गया जीरो, ठीक है। अब देखिए उसके बाद दोस्तों दो प्लस दो चार, और दो कितना होगा दोस्तों 24 हो गया। अब देखिए उसके बाद है
पॉइंट यहां पर लगा है उसके बाद नंबर नोट करना, इसलिए इस पॉइंट को यहीं पर लगा लेंगे और उसके बाद ये दोनों नंबर नोट कर लेंगे, 0 6 हो गया। अब कितनी बार दोस्तों जाएगा ध्यान समझिएगा, कितनी बार लगाए दोस्तों तो हमारा काम चल जाए दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान समझिए, दो बार लगाते हैं ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 4 2 × 8 और 2 × 4 ये वाला 2 दोस्तों यहां पर भी लिख देते हैं ठीक है। आप क्या इसमें से घटा लेते हैं, 6 में से 4 गया 2 यहां से हासिल नहीं, 10 हो गया, 10 में से 8 गया 2 और यहां दोस्तों 5 में 4 का 1 112 बचा जाके ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसको नोट कर, इनको आपस में ऐड कर लेते हैं, 2 + 2 4 हो गया और फिर ये वाला 4 दोस्तों ये 2 244 हो गया। अब उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, ये 2 5 नोट कर लेते हैं। अब कितनी बार दोस्तों लगाए, 5 बार ठीक है, 5 25 के 5 हंसी लाया के 2 5 × 20 2 22 हंसी लाया के कितने, 2 5 × 20 2 22 हंसी लाए, 2 5 × 2 10 2 12 ठीक है, पूर्णतया कट गया, यानी कि दोस्तों कटने के बाद घटाने के बाद हमारा 0 आ गया या क्रॉस का साइन लगा लें। तो दोस्तों जो ये 5 आया वही 5 यहां लिख देंगे, तो दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर आपका फाइनल क्या है देखिए, 150 150.0625 का वर्गमूल का, इसलिए अंडर रूट लगा लिया, स्क्वायर रूट की बात कर रहा है, इक्वल टू धन भी का धन वर्ग यानी कि प्लस वाला चाहिए, तो 12.25 यही दोस्तों आ गया। जब भी दोस्तों हम इस विधि से, अच्छा ये बताइए कौन सी विधि से हम प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, इस विधि का नाम जरूर बताइएगा। जब भी दोस्तों इस विधि से सॉल्व करते हैं तो हमारा पॉजिटिव ही निकलेगा ठीक है। चलिए कौन सी विधि से सॉल्व किया है इसका नाम बताइए दोस्तों। चलिए मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से इसको समझ लिया होगा और नोट भी कर लिया होगा, और नहीं नोट करें तो धीरे धीरे नोट कर लिए आराम से। 38 नंबर दोस्तों, 38 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा, 84.8241 का धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर भी दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, जैसे इसको लगाया वैसे ही दोस्तों उसको भी लगाइएगा ठीक है। अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 39 ध्यान से समझिए, 39 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है करा 0.0005 3361 का करा 0.0005 3361 का धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। दस बजे इसको कैसे करेंगे, क्या कहा है 0.0005 3361 लिख लिया, 0.0005 3031 वही काम इसमें भी करेंगे, पीछे से पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे, तो 2-2 का पेयर बनाएंगे, बनता आ गया ये आ गया फिर यहां बना लिया। इस जीरो पॉइंट के पहले 0 जो लगा उसका कुछ मतलब नहीं था, सिर्फ इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए है, ना भी लगाए पॉइंट के पहले 0 नहीं लगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ठीक है। अब ध्यान समझिए क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले देखिए यहां 0 तो इस 0 को ऐसे ही रखेंगे, पॉइंट लगा लिया ठीक दोस्तों, यदि हम चाहे इसको 0 बार लगाए, देखिए एक बार दिखा दे रहा हूं फिर इसको हटा दूंगा, 0 बार लगाएंगे, 0 के मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 ही तो आएगा दोस्तों, और ये 0 दोस्तों यहां पर भी आ जाएगा जो 0 हमने यहां लिखा, और 0 0 ऐड करेंगे तो 0 ही तो आएगा, समझ पा रहे दोस्तों कि नहीं, 0 0 ऐड करेंगे 0 ही तो आएगा। उसके बाद क्या करें, 0 5 को नोट कर लेंगे, 0 5 को नोट कर लिया, 0 5 को नोट कर लिया, उसके बाद 0 जब 5 को हमने नोट कर लिया तो देखिए कितनी बार जाएगा, अब कितनी बार लगाएं, 2 बार 2 × 2 = 4 तो 0 4 लिखे, खाली 4 लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे, यही वाला 2 दोस्तों यहां पर आ जाएगा, समझते रहिएगा दोस्तों ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं। अब देखिए यहां से 2 + 2 = 4 यहां पर हो गया और 5 में से 4 गया 1 बचा जाके, उसके बाद दोस्तों 3 3 नोट कर लेंगे ठीक है ठीक है। आप कितनी बार लगाएंगे ध्यान समझे, 3 बार लगाते हैं, देखिए 3 3 9 और 3 × 12 तो दोस्तों ये हो गया 129 हो गया, और देखिए ये वाला 3 यहां लिख देंगे
अब देखिए 3 और 3 6 हो गया, जाके 3 3 6 हो गया, 4 हो गया, 46 ज्यादा बचा जाके, इसमें से उसको घटा लेते हैं 13 और 13 में से 9 जाएगा दोस्तों 4 बचेगा, यहाँ कितना बचा जाके दोस्तों 2 में से 2 का 0, यहाँ 1 में से 0। अब अगला दोस्तों 61 बचा जाके 461, अब ध्यान समझिए 461 कितनी बार जाएगा, एक बार, यानी कि 461 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 461 ही तो आएगा। देखिए पूर्णता कर गया, लास्ट में क्या 0 शेष पर बचेगा, 0 क्या हमारा शेष पर बचा रखे, यानी कि दोस्तों 1 1 यहां पर भी आ जाएगा। इस तरीके से पॉइंट वाले तो इस तरीके से करें, अच्छा चाहे तो आप ये इन दो जीरो को यहां पर यूज ना करें, इन दोनों जीरो को यहां पर यूज ना करें, डायरेक्ट दोस्तों आप यहां से लगा सकते हैं, इस स्टेप को डायरेक्ट आप यहां से लगा सकते हैं, ये लाइन आप ना डबल जीरो ना लिखे, ये ना लिखे, डायरेक्ट यहां जीरो लिख लिए, पॉइंट जीरो, भाई दो जीरो लगे उसमें से एक जीरो, वर्गमूल में यही होता है, दो का पेयर बनता है अंडर रूट के अंदर, जब दो होते हैं दो का पेयर बनता है उसमें से एक बार आता है, जैसे 4 का वर्गमूल निकालना होता है तो क्या करते हैं, 4 का मतलब क्या होता है 2 × 2 लिखते हैं और पेयर बन गया, पेयर में से एक बाहर आ गया, वही चीज देखिए 2 है 2 में से 1 0 ऊपर लग जाता है। तो आप चाहे तो ये 0 0 ये 0 0 ना लिखे, ये पूरा स्टेप बैक बनेगा, डायरेक्ट इस स्टेप को यहां पर लिख सकते हैं, समझ गए दोस्तों, नहीं समझ गए, चलिए मुझे उम्मीद कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। तो दोस्तों ध्यान से देखिए क्या, अंडर रूट 0.00053361 का वर्गमूल दोस्तों कितना हो जाएगा 0.0231, यह दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया, चलिए फटाफट नोट करिए। नोट कर लिया, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, चलिए मैं इस टाइप का एक और करा दे रहा हूं, जैसे मैंने यहां समझाया कि इसको छोड़ दे तब कैसे करेंगे, जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू एट सेवन टू नाइन सिक्स का 0.00287296 इसको रख पा दूं, नोट कर लिया होगा ना, चलिए का धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, क्या कहा 0.00287296, क्या करते हैं पीछे से पेयर बनाएंगे, अब मैंने कहा था ये जैसे जीरो था तो वहां 0 1 ना लगाएं, भले यहां पे 0 इसको ना डायरेक्ट भाई 0 हो गया बात खत्म, उस स्टेप को यहां लिखे या लिखे उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप लगा सकते, कितना 28 है, हमें 28 में लगाना है, क्या डायरेक्ट देखिए यहां पॉइंट यदि कहेंगे तो 28 है भाई, पॉइंट को थोड़ी देर नहीं मानते, जैसे पॉइंट यहां लगा तो पॉइंट यहां लग ही जाएगा, कुछ समय के पॉइंट नहीं मानते तो कितना 28 हो जाएगा, अब 28 में हमें दोस्तों लगाना है, जैसे कुछ पॉइंट को नहीं मानना है, ठीक है, तो कितना होगा, किससे लगेगा 4 × 16 = 25 ज्यादा हो जाए, 25 हो जाएगा, 6 × 36 कितनी बार लगाए 5 बार, तो 25 और चाहे जैसे भाई पहले लगाया था कि 0 0 लिख के लिखा था वैसे भी लिख सकते हैं, तो 25 हो गया, कितना बचेगा यहाँ 3 बचा रखे और 5 5 10 हो गया, देखे आप कितना नोट हो गया 72 नोट हो गया, आप दोस्तों कितनी बार लगेगा ध्यान समझिएगा, कितनी बार जाएगा 3 बार ना, तो 3 बार गया, 3 3 9 हो गया और फिर 3 की मल्टीप्लाई 0 से 0 हो गया, 3 1 3 हो गया, 309 हो गया, देखिए 3 3 कितना होता है 3 + 3 6 फिर 0 1 106 हो गया, जाके इसमें से घटा लेते हैं, अच्छा यही वाला 3 यहाँ भी चला जाएगा ना, चलिए इसमें से इसको घटाते हैं तो यहाँ कितना है 12 और 12 में से हो जाएगा 3, यहाँ 6 बचा क्योंकि यहाँ से चला गया था और यहाँ 3 में से 3 0, तो अगला 96 नोट कर लेते हैं, आप कितनी बार लगाएं दोस्तों, समझिए 6 बार लगा दें, देखिए
36 के 6 हंसी लाए 3, 36 और 3 39, क्योंकि लास्ट में 0 है तो 39 हो जाएगा, और 6 कम 6 ये तो पूर्णता है, यहीं पे कट गया जाके। तो ये दोस्तों यही वाला 6 यहाँ पे नोट हो जाएगा, यानी दोस्तों क्या यहाँ समझिए 0.0028729 का वर्गमूल दोस्तों कितना हो गया 0.0536। यह दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए इसको। फटाफट दोस्तों नोट करते रहिए। अगला दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 41 क्या कह रहा है, कह रहा है 0.0010000 10.0010000 का धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, जैसे इसको लगाया वैसे ही लगाइएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 42 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। रब करें इसको, चलिए 42 नंबर दोस्तों क्वेश्चन अच्छा है, कह रहा है √2 का मान दशमलव के दो स्थानों तक, का मान दशमलव के दो स्थानों तक, दशमलव के दो स्थानों तक निकटतम ज्ञात कीजिए, स्थानों तक निकटतम ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए कैसे करेंगे, क्या कह रहा है √2 का मान दशमलव के दो स्थानों तक निकटतम ज्ञात कीजिए, यानी √2 यानी कि दो का हमें वर्गमूल ज्ञात करना, किसका ज्ञात करना, दो का हमें वर्गमूल ज्ञात करना, √2 लिखें या खाली दो लिखे, दो का वर्गमूल ज्ञात के लीजिए करिए, तभी बात वही थी, या √2 का मान दशमलव के दो स्थानों तक निकटतम ज्ञात कीजिए, बात दोस्तों ध्यान से देखिए √2 का मान दशमलव के दो स्थानों तक निकटतम ज्ञात कीजिए, कैसे करेंगे दोस्तों ध्यान समझिए, 2 लिख लिया, कितने स्थानों तक कहा है, दो स्थानों तक हमें ज्ञात करना, जितने स्थानों तक दोस्तों हमें ज्ञात करना होता है उससे एक अधिक पेयर बनाएंगे, देखिए कैसे, यहां दो स्थानों तक कहा था इसलिए हमें 3 पेयर बनाएंगे पॉइंट लगाने के बाद, 1 2 3 3 पेयर दोस्तों बन गए कि नहीं बन गए, ठीक दोस्तों। अब ध्यान समझिए कैसे करेंगे, एक बार लगाएंगे, एक एकम एक हो गया, एक यहां लिख दिया, और दोस्तों यही एक यहां लिखते हैं, उसके बाद दोस्तों दो में से गया एक बचा जाके, और एक एक दोस्तों कितना हो गया, दो दो लिख लिया जाके, ठीक है। अब इस पॉइंट को दोस्तों यहां पर लगा लेंगे और ये दो जीरो दोस्तों यहां पर नोट कर लेंगे, ठीक है। कितनी बार लगेगा, 4 बार लग जाएगा, 4 चक्कू देखिए मल्टीप्लाई करके 4 चक्कू 16 के 6 और 4 दुनिया 8 1 9 96 हो गया, और यही वाला 204 हम यहां पर लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखिए यहां दोस्तों क्या, 4 + 4 8 हो गया जाके, और ये 2 हो गया 28, यहां इसमें घटा लेते हैं तो 10 में से 6 गया 4 और ठीक है, और 9 में से 9 गया 0, यानी फिर से 2 0 उतार लेंगे, कितनी बार जाएगा दोस्तों ध्यान समझिए, कितनी बार, एक बार, तो 281 हो गया, ठीक है 281 होगा, इसको ऐड कर लेते 1 + 1 2 हो गया जाके, 1 + 1 दोस्तों कितना हो जाएगा 2, और 8 2 हो गया जाके 282।
यही वाला दोस्तों वन यहाँ लिख लेते हैं और दोस्तों इसमें से घटा लेते हैं, तो यहाँ से हंसी लेंगे 10 में से एक गया 9 और यहाँ बचेगा कितना 9 में से 8 गया 1 और यहाँ दोस्तों कितना जाएगा 4 है, यहाँ से हंसी लेंगे 3 में से 2 गया 1 119 बचा रखे। उसके बाद दोस्तों क्या करें डबल जीरो इसको नोट कर लेते हैं, कितनी बार दोस्तों लगा लें आप दोस्तों कितनी बार लगाए जाएंगे 4 बार लगा लें, देखिए 4 चक्कू 16 के 6 हंसी लगा के दोस्तों कितना 1 4 2 8 1 9 हो गया के 4 8 32 के 2 हंसी लगा के 3 और 4 2 8 3 11 हो जाएगा, समझ गए क्या किया 4 चक्कू 16 के 6 हंसी लगा के 1 4 2 8 1 9 हो गया 4 8 32 के 2 हंसी 3 और 4 2 8 और 3 दोस्तों कितना हो गया 11, घटा लीजिए कितना बचेगा 4 यहाँ 9 में से 9 में से 9 जाएगा 0 यहाँ 8 में से 2 जाएगा 6 604 बचा जाके, यही वाला 4 दोस्तों यहाँ लिख लेते हैं। दशमलव के 2 स्थानों तक कहा हमने 3 स्थानों तक निकाल लिया, तो दोस्तों क्या आया जाके रूट 2 इक्वल टू कितना आ गया रूट 2 की वैल्यू दोस्तों कितनी आई जाके 1.414 आया जाके, चूंकि आपसे 3 स्थानों तक कहता दोस्तों तो यही हो गई थी पर 4 2 स्थानों तक कहा इसलिए हम क्या कर लेंगे एक कम कर लेंगे रूट 2 इक्वल टू 1.41 हमने 3 प्लेस तक इसलिए दोस्तों निकाल ली, हो सकता है यहां पर इसकी वैल्यू 5 या 5 से अधिक आ जाती तो उस हिसाब से 5 से ज्यादा आता तो यहां पर एक बढ़ाना पड़ता है, जैसे यहां पर क्या 6 आ जाता तो यहां पर दोस्तों 1 की जगह पर 2 लिखना पड़ता, इसलिए दोस्तों मैंने एक एक्स्ट्रा बार निकाल लिया। चलिए फिर दोस्तों फटाफट नोट कर लीजिए, चलिए अगला दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 43, ध्यान से देखिए 43 क्या कह रहा है, कह रहा है रूट 3 का मान दशमलव के 2 स्थानों तक निकटतम ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 44, तब करें दोस्तों ध्यान समझिए 44 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 10 सही 2/3 का धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम निकटतम तीन स्थानों तक ज्ञात कीजिए, तीन स्थानों तक ज्ञात कीजिए दोस्तों ध्यान से समझिए कैसे करेंगे, क्या कह रहा है 10 सही 2/3 का धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीन स्थानों तक ज्ञात कीजिए, यानी कि दोस्तों 10 सही 2/3 ये मिश्रित भी नहीं, इसको सिंपल में चेंज करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 30 होगा, 30 2 32/3 हो गया दोस्तों कितना 32/3 अब 3 दोस्तों है 3 से 32 को भाग करेंगे, ध्यान समझिए कैसे 3 को 32 से भाग करेंगे दोस्तों कितना आएगा 3 हो गया और दोस्तों फिर 2 टाल लिया 0 बार लगा दिया, अब इस आधे लोगों को ये भाग करना बहुत कठिन हो जाएगा सर आपने ये किया क्या, फिर 2 नोट कर लिया पॉइंट लगा लिया 0 लगा लिया 3 6 18 फिर 2 बचेगा फिर कितना 3 6 18 फिर 2 बचेगा फिर बार बार यही आता जाएगा दोस्तों कितनी बार लिख लेंगे 6 3 बार 1 2 हो गए 3 पे बनाएंगे ऐसे दोस्तों लग जाएगा बार बार ये होता जाएगा, यानी कि दोस्तों क्या आएगा कि हमारे पास इसको जब साल करेंगे तो 10.66666666 बार लिख लिया 1 2 3 4 5 6 क्योंकि 3 स्थानों तक चाहिए, चाहे तो आप दोस्तों इसको क्या 8 बार लिख लीजिए एक बार ज्यादा निकाल लें, चाहे तो आप 8 बार लिख लीजिए और एक बार ज्यादा लगा लें, यदि 5 से बड़ा नंबर होगा तो बढ़ा के लिख लेंगे और यदि ऐसा भी कर देंगे तो गलत नहीं होगा दोस्तों, ध्यान समझिए कैसे करेंगे क्या कह रहा है 10 सही 2/3 को क्या लिखा हमने 10.666666 कितने बार 6 बार, आप देखिए 2-2 का पेयर बना लेंगे पीछे से तो दोस्तों पेयर बन गया, बस साल कर लेते हैं ध्यान समझिए कितनी बार जाएगा दोस्तों 3 बार ना 3 3 9 तो दोस्तों इस 3 को यहां पर लिख लेंगे
और तीन तिया नौ हो गया, यहां लिख लिया। ठीक दोस्तों, अब ध्यान समझिए, दस में से नौ जाएगा एक बचेगा, और तीन तिया नौ यहां लिख लिया, अब तीन प्लस तीन छह हो गया दोस्तों। ठीक है, और ये वाला पॉइंट दोस्तों जहां है वहीं पर लगा लेते हैं ऊपर की ओर। फिर क्या करते हैं, जोड़ा उतार लेते हैं, सिक्स सिक्स का कितनी बार दोस्तों जाएगा, दो बार जाएगा कि नहीं, दो बार लगा लिया, दो दूना चार और दो छाक बारह, क्या होगा, दो दूना चार होगा, दो छाक बारह, यही वाला दो दोस्तों कहां पर चला जाएगा, यहां पर। ठीक है, अब ध्यान से घटा लीजिए, छह में से चार गया दो और छह में से दो गया चार, इसको ऐड कर लेते हैं, दो प्लस दो चार हो गया और छह चौंसठ हो गया दोस्तों यहां पर। अब दोस्तों क्या फिर से पे उतार लेंगे, कितनी बार दोस्तों जाएगा, सिक्स बार जाएगा, देखिए छह चार छत्तीस के छह, छह चौक चौबीस और तीन दोस्तों कितना होता है सत्ताईस, और छह चार छत्तीस और दोस्तों तीन, छह चार छत्तीस और दो अड़तीस हो गया, समझ गया दोस्तों क्या क्या किया, छह सात छत्तीस के छह सिलाए तीन, छह सौ चौबीस और चौबीस और तीन दोस्तों सत्ताईस हो गया, और छह सात छत्तीस दो अड़तीस हो गया दोस्तों। यही वाला सिक्स हम यहां पे लिख लेंगे, ठीक है, नोट कर लेते हैं दोस्तों, ध्यान समझिए, सिक्स में से सिक्स जाएगा जीरो, यहां से दोस्तों हंसी ले लेंगे, यहां से जब हंसी लेंगे तो यहां कितना सोलह, सोलह में से सात जाएगा नौ, और यहां दोस्तों कितना ग्यारह, ग्यारह में से आठ जाएगा दोस्तों कितना बचेगा तीन, और यहाँ तीन में से तीन जाएगा जीरो, उसके बाद दोस्तों सिक्स सिक्स ये नोट कर लेते हैं और इन दोनों को जोड़ लेते हैं, इनको सिक्स प्लस सिक्स कितना हो गया ट्वेल्व हो गया, छः प्लस छः बारह हो गया, चार एक पाँच और छः, अब दोस्तों कितनी बार जाएगा देखिए, पांच बार जाएगा, पांच बार लगाते हैं दोस्तों, ठीक है पांच बार दोस्तों ध्यान समझिए, पचम पच्चीस के पांच, ठीक है पचम पच्चीस के पांच से लाए के दो, पांच दूनी दस, दो बारह, हंसी लाए के दोस्तों एक, और पचम पच्चीस एक छब्बीस, हंसी लाए के दोस्तों कितना दो, और पांच का तीस दो बत्तीस हो गया, समझ गए दोस्तों, यानी कि दोस्तों क्या किया हमने इससे, इसको मल्टी पचम पच्चीस, देखो पचम पच्चीस के पांच से लाए के कितना दो, पांच दूनी दस, दो बारह हो गया, पचम पच्चीस, पचम पच्चीस के पांच हंसे लाएगा दोस्तों दो सौ दो, और पांच दूनी दस, दो बारह, हंसे लाएगा एक, और पांचम पच्चीस और एक छब्बीस हो गया, और पांच का तीस दो बत्तीस, समझ गया दोस्तों सही है ना। अब देखिए यही वाला पांच दोस्तों हम क्या करेंगे, यहां नोट कर लेंगे, ठीक है कितना यहां से घटा लेते हैं तो कितना चाहेगा एक, छह में से दो जाएगा दोस्तों कितना चाहेगा बोलिए, छह में से दो जाएगा तो चार, यहां से हंसे लेंगे दस में से छह जाएगा चार, यहाँ आठ बचा, आठ में से दो गया छः, ये बचा जाके, तो दोस्तों हमारे क्या देखिए दशमलव के निकटतम तीन स्थानों तक कहा था तो हमने निकाल लिया 3.265 आएगा, पर दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि चार स्थानों तक निकालें तो दो बार छः यहाँ और लगाइए, छः छः लिखिए फिर उसका पेयर बनाइए, फिर नोट करिए, तो चार स्थान पाँच से ज़्यादा आएगा तो इधर एक नंबर बढ़ा लेंगे, वैसे आप इतना भी छोड़ देंगे तो सही होगा, यानी दोस्तों क्या आ गया कि दोस्तों हमारे पास इधर मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, इसके नीचे आप इधर आंसर लिख रहा हूँ क्या, दस सही दो बटे तीन का वर्गमूल, और इसी को दोस्तों ने क्या लिखा था 10.666666, चाहे ये लिख लें चाहिए, इनका दोस्तों वर्गमूल कितना है हमारे पास 3.265, ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करते हैं, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। अगला दोस्तों प्रश्न कह रहा 45 नंबर, ध्यान से समझिए क्वेश्चन नंबर 45 दोस्तों आपसे कह रहा हूं, पांच सही तीन बटे दो, पांच सही तीन बटे दो का धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीन स्थानों तक ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जितने भी प्रश्न दोस्तों आज से आज मैंने आपको क्लास में कराए हैं सभी प्रश्नों को अच्छे से लगाइएगा, और जितने पूछे हैं सभी के उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें जिससे आपके अदर भाई बंधु भी इस वीडियो को देख पाएं और अपनी तैयारी को दोस्तों बेहतर कर पाएं। दोस्तों आज आपका चैप्टर 3 फुल्ली कंप्लीट हो चुका है, यानी दोस्तों कल की क्लास में आप चैप्टर नंबर कौन सीखेंगे 4। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।